Do you feel the pressure? हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्टडी कैसे अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है वो आप हेडफोन यूज़ करें ऑल द टाइम। हेडफोन ईयरफोन कोई भी हो, वो ऑल द टाइम यूज़ करें, उसको कान में लगा के रखें। ऐसे क्या होगा, अगर कोई आपको पुकारेगा तो आप सुन नहीं सकोगे, तो ऐसे ही आपका मतलब पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यूज़ फिडजेट स्पिनर। फिडजेट स्पिनर एक ऐसा चीज़ है जो अगर हाथ में रख के घुमाते हो तो आपका जो अंदर का जो स्ट्रेस है सब दूर हो जाएगा, तो ऐसे आप फोकस कर सकते हो। इसके लिए फिडजेट स्पिनर आपका हाथ में लेना है, उसको घुमाना है, सारा दिन वही घुमाते रहना है। तो आप मैथ का भी प्रैक्टिस कर लो, उससे भी आपका पढ़ाई अच्छा हो जाएगा। तो लिसन टू AWM म्यूज़िक। ओम म्यूज़िक मतलब ये ओम का मतलब पबजी का ओम नहीं है, ये AWM का फुल फॉर्म है, एलन वॉकर म्यूज़िक, मतलब एलन वॉकर का जो म्यूज़िक है, तो वो आप सुनो तो आपका पढ़ाई इम्प्रूव होगा। गेट अ फ़ोन। हाँ गाइस, मजाक नहीं, एक फ़ोन ले लो, इससे आपका भी पढ़ाई इम्प्रूव होगा। वहाँ पे आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, क्या क्या करेंगे, ऐसा लिस्ट बना के अपना पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रख सकते हैं। और आप जो है ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, जो डोरेमोन का जो रिमेंबर ब्रेड होता है उसको डोरेमोन ने नमिता को दिया था, और नमिता ने तो वो लेके ज़्यादा खा लिया, इसीलिए नहीं हुआ ठीक से। लेकिन आप ये ज़्यादा मत खाना, थोड़ा थोड़ा ब्रेड खाना तो कुछ नहीं होगा, मतलब आपका जो पढ़ाई है वो अच्छा हो जाएगा। ये ब्रेड को यूज़ कैसे करना है, तो ये ब्रेड आपको सिंपली अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर रखना है, जो भी याद करना है उस बुक के ऊपर रखना है, जहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो, उसके बाद वो ब्रेड आपको खा लेना है। ऐसे ही आप पढ़ाई को अच्छे से याद कर सकते हैं। और ट्राई न्यू बुक्स, जी हाँ, आपको नए नए बुक ट्राई करना पड़ेंगे, जैसे हाउ टू किल समवन, 101 वेज टू किल योर फ्रेंड, 101 वेज टू किल योर कैट, 101 वेज टू किल लवर, 101 वेज टू बी ए बैड एस, हाउ टू बी ए बैड एस, तो ये बुक आपको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो है आपको फ़िश खाना पड़ेगा, जी हाँ, फ़िश में बहुत सारा फैट होता है जो ब्रेन के लिए अच्छा है, तो अगर फ़िश खाएंगे आप, आपका ब्रेन का पावर बढ़ जाएगा, तो मतलब बड़ा ही अच्छा होगा। और यूज़ येलो कलर। जर्मनी में एक रिसर्च हुआ था, वहाँ पर ये निकला कि अगर हम येलो कलर पे देखते हैं तो हम हमारे ब्रेन में जो अल्फा मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो इससे फोकस बहुत ज़्यादा बना रहता है। और आपको पबजी भी खेलना पड़ेगा, पबजी का तो अब अभी लिमिट हो गया है, दिन में 6 घंटे ही खेल सकते हो, तो आप 6 घंटे पबजी खेलो ना, दिन में 6 घंटे पबजी खेल के मतलब आपका जो ब्रेन पावर है वो 10,000 गुना बूस्ट हो जाएगा, तो ऐसे आपका पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यूज़ लेफ्ट हैंड टू राइट, जी हाँ, ऐसे आप अपने ब्रेन का पावर बढ़ा सकते हैं। अपना दाहिने हाथ को यूज़ कर तो करते ही हो गए आप, लेकिन आपको बाएं हाथ भी यूज़ करना है, तो ऐसे ही तो दोनों ब्रेन में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, जो अच्छे से पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप पढ़ाई को अच्छा करने के लिए बुक्स को भी खा सकते हैं, और यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप अगर बुक्स को खाएंगे, बुक्स के पेजेस फाड़ के अगर आप खा लेंगे, तो उस पेजेस में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा तो वो आपके माइंड में चला जाएगा, वो आपको रिमेंबर होगा, तो ऐसे आप अपना पढ़ाई अच्छा कर सकते हैं। तो बुक्स खाने के बाद आपको करना क्या है, पानी भी खा लेना है, तो ऐसे ही आप बहुत कुछ याद कर सकते हैं। और आपको एक हेयर स्टाइल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टाइल नहीं मारोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो एक स्टाइल का हेयर स्टाइल ले लो और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाओ और स्टडी अच्छा करो। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, आपको दिन में 12 लीटर, जी हाँ, आपको दिन में 12 लीटर कॉफ़ी खाना पड़ेगा, मतलब पीना पड़ेगा, वो खाना पीना तो एक ही चीज़ है, चलो। तो 12 लीटर कॉफ़ी में बहुत सारा कैफीन होगा जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देगा, और इससे आपका ब्रेन पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जी हाँ, 12 लीटर कॉफ़ी।
आपको खाना पड़ेगा 12 लीटर पानी। जी हाँ, पानी तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। 12 लीटर अगर आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छा, और एक समुंदर भी आप खा जाएंगे तो भी ये बहुत आपका पढ़ाई इम्प्रूव करेगा। जी हाँ, ऐसे आप पढ़ाई इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको समुद्र में जितना भी पानी है वो भी खाना पड़ेगा, और 12 लीटर मिनिमम तो खाना ही पड़ेगा, और आपको 12 बोतल दिन में नॉर्लिक्स खाना है। जी हाँ, नॉर्लिक्स में बहुत सारा चीज़ें होते हैं जो ब्रेन के फंक्शनिंग में डेवलप करते हैं, तो नॉर्लिक्स खाना है आपको। और जो है आप मनदीप सहेश्वरी के मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो हर समय मोटिवेटेड रहने के लिए। तो मनदीप सहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उसका वीडियो देख। और नेक्स्ट जो है आपको थ्री इडियट्स जो फिल्म है वो दिन में 3 बार देखना पड़ेगा। जी हाँ, थ्री इडियट्स एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल फिल्म है, वो आप अगर आप देखोगे तो आपका स्टडी के साथ आपका लाइफ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थ्री इडियट्स फिल्म दिन में 3 बार देखना पड़ेगा। आपको अपना टेबल हमेशा क्लीन रखना पड़ेगा। क्लीन का मतलब टेबल में आप लिटरली कुछ भी मत रखो, अपना बॉटल बुक कुछ भी मत रखो। ये लिटरली आप टेबल में पढ़ने बैठो ही मत, लेकिन टेबल क्लियर होना चाहिए एकदम, कुछ भी नहीं चलेगा टेबल में। आप बिस्तर में पढ़ने बैठ जाओ, टेबल में कुछ मत करना, क्योंकि टेबल साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है, जो मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, आपको हर वक्त अपने कान में हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुनना ही पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका पढ़ाई को अच्छा करने के लिए। तो आपके कान में म्यूज़िक हमेशा बजना ही चाहिए, अब चाह भी हो, ठीक है। ये आपके कान में हेडफोन लगा के हमेशा म्यूज़िक बजाते रहो। अगर मोबाइल में चार्ज चला गया तो टीवी चला दो, और कैसे भी करके म्यूज़िक तो कान में बजना ही है। तो भाई लोग, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और जो मैंने ये वेज बताए मैं इनमें से एक भी फॉलो नहीं करता। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोक देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब ठोक देना। सब्सक्राइब बटन में आप ओम से मारो या फिर आप फिडजेट स्पिनर घुमा दो, वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देना।